पेट्रोल चोर। एक गांव में रमेश और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। इन दोनों के घर पास ही में थे। इन दोनों के घर के बीच एक दीवार थी। इन दोनों के पास एक बाइक थी। हर दिन दोनों ऑफिस को अपनी अपनी बाइक पर ही जाया करते थे। रमेश बहुत ही सीधा साधा इंसान था, जबकि महेश बहुत ही लालची। हर दिन की तरह रमेश ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। अरे इसको क्या हुआ, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? रमेश गाड़ी को चेक करता है, उसमें पेट्रोल नहीं था। अरे ये क्या हो गया, मैंने कल ही तो पेट्रोल टैंक फुल किया था, ये खत्म कैसे हो गया? रमेश गाड़ी को धीरे से पेट्रोल पंप तक ले जाता है, पेट्रोल टैंक फुल करके ऑफिस पहुंचता है। फिर कुछ दिनों बाद जब रमेश ऑफिस के लिए निकलता है तो फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। रमेश सोच में पड़ जाता है कि आखिर पेट्रोल क्यों खत्म हो रहा है। इतने में महेश दफ्तर जा रहा था कि रमेश को देखकर कहता है, क्या हुआ दोस्त, गाड़ी खड़ी हो गई क्या, या फिर पेट्रोल खत्म हो गया? इसलिए कहता हूँ, हमेशा मेरी तरह पेट्रोल टैंक फुल करवा के रखना चाहिए। ये कहकर महेश अपनी बाइक पर दफ्तर के लिए निकल जाता है, और ये सुनकर रमेश मायूस हो जाता है। एक दिन रमेश बालकनी से रात को बाहर की ओर देख रहा था। महेश उसके घर का गेट खोलकर अंदर आ रहा था, तो रमेश को अंधेरे में मालूम नहीं हुआ कि वो महेश है या कोई और। कौन है वहां, वहां पे कौन है? रमेश की आवाज सुनते ही चोर दीवार पर चढ़कर भाग जाता है। अगले दिन सुबह रमेश बाइक स्टार्ट करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। रमेश को शक हो जाता है, लगता है ये महेश ही बाइक में से पेट्रोल चोरी कर रहा है, इसे किसी ना किसी तरह पकड़ना चाहिए। एक तो ये गेट से आकर पेट्रोल चुरा रहा है, और दीवार कूद कर अपने घर पर जाकर छुप रहा है। ऊपर से मुझसे पूछ रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया क्या, इसे किसी ना किसी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रमेश एक बड़े कुत्ते को खरीद कर अपने आंगन में छोड़ देता है, और कांच के टुकड़े लाकर जहां से महेश दीवार कूदा था वहां डाल देता है। इन बातों से अनजान महेश बोतल लेकर पेट्रोल चुराने के लिए रमेश के घर पहुंचता है। हर रोज की तरह चुपके से बाइक के पास जाता है। जैसे ही महेश बाइक में से पेट्रोल निकालने लगता है, कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या होगा, ये रमेश कुत्ता कब से पालने लगा, ये मुझे आज खींच कर ले जाएगा। अगर मैं जोर से बोल कर इसे भगाऊंगा तो रमेश बाहर आ जाएगा। ये तो कोई भयंकर कुत्ता लगता है। ये कुत्ता आज मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे किसी ना किसी तरह घर भाग जाना चाहिए। ये कहकर महेश दीवार की ओर भागता है। महेश के पीछे कुत्ता भी भागने लगता है। तभी वहां दीवार के पास बिछाए हुए शीशे महेश के पैरों में चुभ जाते हैं, और कुत्ता उसे काट लेता है। महेश जोर से बोलकर उसे भगा भी नहीं सकता था। जैसे तैसे करके महेश अपने घर पहुंचता है। अगले दिन सुबह जब रमेश अपनी बाइक के पास आता है, तो बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को देखकर वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, और अपने आप मुस्कुराकर ऑफिस के लिए निकलता है। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था। रमेश महेश के घर जाता है। महेश पलंग पर सोया हुआ था। अरे आओ आओ रमेश, कैसे आना हुआ? अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम बिस्तर पर क्यों लेटे हुए हो? कुछ नहीं यार, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए कहते हैं चलते वक्त सावधानी से चलना चाहिए, आगे से संभाल कर चलना, कोई गलती मत करना, ठीक है? हाँ रमेश, मुझे अक्ल आ गई है, मैं अब बाइक से बहुत सावधानी से रहूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।